दो फाउंटेन है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड में एक और एक राइट साइड में। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाईएस। अभी मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों को नोएडा के एक सबसे बड़ी पार्क में, और मैं लेके चल रहा हूँ, दिखाऊंगा उसकी एक झलक वो कैसा दिखता है। काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक एक चीज़ बताने के लिए और एक एक चीज़ दिखाऊँगा आप लोगों को। अगर आप एक बात और करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि नोटिफिकेशन जाएगा तो आप वीडियो देख सकें, और फेसबुक से देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ, लेट्स गो। अभी मैं पहुंच गया हूँ मायावती पार्क, और मैं पार्क के बाहर खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे अंदर एंट्री करने के लिए टिकट लग रहा है, तो मैं चलता हूँ टिकट लेने के लिए। और टिकट लेने के बाद आप जैसे कि पीछे देख रहे हैं मेरे, ये महामाया मेन रोड है, इस पर मतलब काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी एक्टिव रहती है, तो आप आइए तो इसे बच कर रहिए। अभी मैं चल रहा हूँ टिकट लेने, टिकट लेने के बाद चलता हूँ अंदर, फिर आपको दिखाता हूँ। टिकट लेने चलते हैं, फाइनली मैं टिकट ले चुका हूँ। वो टिकट काउंटर है 5 नंबर गेट पे, आपको टिकट काउंटर से मैं लेके और अंदर एंट्री करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे आते हैं तो 11 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, तो आप समय से आइए। 11 बजे से 9 बजे के बीच में आप जब भी आइए तो आपकी एंट्री हो जाएगी। टिकट प्राइस 20 रुपये है, तो 20 रुपये आपको खर्च करने हैं, ऑटो का अलग खर्च करना है। तो आप आइए इसमें घूमिए और देखिए अंदर क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको अंदर ले चल के दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ अभी। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं। अभी मैं ग्रीन पार्क में खड़ा हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसको एक ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बड़ी ये पार्क है जो कि हरी भरी पार्क है, इसलिए इसको ग्रीन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं अभी ले चलूँगा उसके अंदर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के अंदर, और दिखाऊँगा उसमें क्या है। मैं जहाँ तक देख के आया था, इसमें एक म्यूज़ियम है जिसमें अम्बेडकर जी, मायावती जी, इन सब का फ़ोटो लगा हुआ है। तो मैं उसके अंदर लेके भी चलूँगा आप लोगों को, दिखाऊंगा उसके अंदर क्या है। अभी मैं ग्रीन पार्क के अंदर हूँ और एक एक चीज़ आप लोगों को ग्रीन पार्क के अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ले चलिए दिखाता हूँ कि इस यहाँ पे क्या है और कैसे है। वीडियो बना रही है और देखते रहिए। ये वो प्रेरणा स्थल का विशाल गेट है, इसके अंदर एंट्री करने पर 3 स्टैचू आपको देखने को मिलेगी, एक भीमराव अम्बेडकर, दूसरे मायावती, और तीसरा स्टैचू मुझे पता नहीं है किसका है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आप जब यहाँ आइए तो आप आके रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं, पूरा नाम लिखा गया है। काफ़ी अंधेरा होने के कारण कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, उतना फोकस नहीं कर पा रहा, मैं बाहर चलाया और बाहर की चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। मैं अभी यार काफ़ी घूम लिया हूँ उसमें, और अभी चल रहा हूँ और दिखाऊँगा आप लोगों को, और भी कुछ दिखाऊँगा। काफ़ी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं देखने को, मतलब जितना भी है, एक ये जो म्यूज़ियम इसे कह सकते हैं, एक म्यूज़ियम है, उसके बाद पार्क है जो काफ़ी हरा भरा है, और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको काफ़ी लोग देखने को मिल जाएंगे। तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ। और यहाँ पे आप आते हैं तो आपको टिकटॉकरों की कमी नहीं मिलेगी, मतलब काफ़ी मिल जाएंगे आपको बनाते हुए, और आप देख सकते हैं। तो मैं ले कर चल रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, और आप देखिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। काफ़ी देर से मैं इस पार्क में टहल रहा था, फाइनली मैं अभी एक जगह पर खड़ा हूँ, क्योंकि पैर दर्द देने लगा है काफ़ी देर से टहलते टहलते। काफ़ी बड़ा है, अगर यहाँ पे आप भी आते हैं तो काफ़ी इन्जॉय कीजिए। काफ़ी कपल्स, काफ़ी मैरिड कपल्स मेरे को दिख रहे हैं जो यहाँ पर आके इन्जॉय कर रहे हैं। बात करूं अगर आपको भी यहाँ पे आना है तो मेट्रो 16, 18 बोटानिकल, तीनों मेट्रो से आप यहाँ पे आ सकते हैं। ऑटो चार्जेस आपके 20 रुपये लगेंगे, मैं भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो आप यहाँ पे आइए, एंजॉय कीजिए। टिकट प्राइस 20 रुपये मैंने जैसे बता रखा है आपको,
और मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ और भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको, और देखिए मेरे साथ। देखो एक बात तो कहना चाहूँगा आपके लिए और मेरे लिए, काफ़ी आपका और मेरा काफ़ी ख्याल रखा गया आप लोगों का। मतलब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको वॉकिंग करने के लिए एक अलग सी, देख सकते हैं आप, एक गली बनाई गई है वॉकिंग करने के लिए। आप इसमें अपना मोटापा कम कर सकते हैं चल चल के। यार पार्क काफ़ी बड़ा है, आप आते हैं तो इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे कपल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, रील्स बनाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, जो शॉर्ट्स बनाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। वो काफ़ी यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वीडियो बनाते हैं, घूमते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो लेट्स रेडी, आप भी आइए और यहाँ पे एंजॉय कीजिए। मैं चल रहा हूँ और मैं तो देख ही रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली मैं चलते चलते आ गया हूँ। दो फाउंटेन है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड में एक और एक राइट साइड में, जो कि पीछे से आए करने। तो दो फाउंटेन है यहाँ पे जो कि हाथियों के आर्किटेक्ट में बनाया गया है इसको। मैं भी ये फवारा अभी नहीं चल रहा है, इन फ्यूचर चले तो आप शाम को इसको देखने, अगर शाम को देखते हैं तो एक अलग लुक आता है इसका कलर में। तो फाइनली गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ बाहर और अभी समय हो गया घर निकलने का, तो मैं चल रहा हूँ घर। अभी मैं ऑटो लेने के लिए चल रहा हूँ, ऑटो लेकर घर निकलूँगा। चलते चलते आपसे कहूँगा कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको नया नया वीडियो देखना है तो दबाना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन उसी से आएगा। और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, यार कहीं तो वीडियो आपको देखना है। तो ले चलता हूँ मैं अभी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय श्री राम। Oh my.